हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको डिज़ाइन ऑफ स्टील बीम बताने वाला हूँ, उसके स्टेप्स कौन से होते हैं और क्या क्या लोड कंसिडर करना होता है, सेक्शन कैसे चूज़ करता है आईएस कोड से, और मैं क्लॉज के साथ साथ बताऊँगा आपको कौन सा क्लॉज रेफ़र करना है कौन से स्टेप के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अ रूफ ऑफ हॉल, जैसे ये प्लान में आप देख रहे हो वो हॉल है। अ रूफ ऑफ हॉल मेजरिंग 8 बाय 12 मीटर कंसिस्ट ऑफ 100 मीटर आरसीसी स्लैब सपोर्टेड ऑन स्टील आई बीम्स। सो आप जो वर्टिकल लाइंस यहाँ देख रहे हो, ये वर्टिकल लाइंस एक्चुअली बीम्स है, और ये एंटायर जो प्लान एरिया आप देख रहे हो स्लैब है, ठीक है। और ये सब जो स्लैब जो है डायरेक्टली सपोर्टेड है आई बीम पर। और फिनिशिंग लोड हमें दिया है 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और लाइव लोड दिया है 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो सबसे पहले हमको जानना है बीम पे कौन सा लोड आने वाला है। सबसे पहले बीम का सेल्फ वेट रहेगा खुद का, फिर दूसरा स्लैब का जो वेट आने वाला है वो स्लैब बीम पर आने वाला है, ठीक है। और या फिर अगर उसके ऊपर वॉल्स अगर हो तो वॉल का लोड भी बीम पर आएगा। तो तीन चीज़ होगी, सबसे पहला होगा वॉल का लोड, दूसरा होगा स्लैब का लोड। स्लैब में क्या क्या आएगा, स्लैब में उसका स्लैब का सेल्फ वेट आएगा, और अगर उस पर कोई फिनिशिंग की हुई तो वो आएगा। फिर उसके साथ में तीसरा आएगा आपका बीम का सेल्फ वेट। तो सबसे पहला स्टेप हमारा आएगा लोड कैलकुलेशन। जैसे कि हम इस फिगर में देखते हैं, तो हर एक बीम जो है डिज़ाइन करना है हमें वो 8 मीटर का। वर्टिकल बीम्स डिज़ाइन कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल बीम अभी हम डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्राइमरी बीम डिज़ाइन कर रहे हैं अभी। तो जो 8 मीटर का बीम यहाँ पे आप देख रहे हो उसको हमें डिज़ाइन करना है, ठीक है। और उसका क्लियर स्पैन है 8 मीटर्स का, और एक बीम पर कितना वेट आ गया स्लैब का, 3 मीटर्स विड्थ ऑफ स्लैब रेस्ट हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोड पर मीटर लेंथ ऑफ द बीम निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले आएगा वेट ऑफ आरसीसी स्लैब, ठीक है। तो वेट कैसे निकालना है, सबसे पहले हम डेंसिटी लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से। तो डेंसिटी कंक्रीट का होता है, आरसीसी कंक्रीट का होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब मुझे पर मीटर में आंसर चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो पर मीटर में मुझे मिल जाएगा। तो एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्लैब क्या रहेगा, 0.1 जो उसका डेप्थ है, ये डेप्थ है, मल्टीप्लाइड बाय उसका लेंथ कितना है स्लैब का, वो है 3 मीटर्स, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लोड मिल जाएगा पर मीटर में, जो कि होगा 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर। अभी वेट ऑफ आरसीसी स्लैब आपने निकाल दिया है, अभी स्लैब के ऊपर जो फिनिशिंग लोड है वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो सेकंड आएगा फिनिशिंग लोड, जो हमें दिया गया है सब में 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये एरिया वाइज दिया हुआ है, तो इसको हमें पर मीटर में कंसिडर करना है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा उसके लेंथ से, स्लैब का पर जो एक पैनल है उससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मुझे मिल जाएगा 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। फिर तीसरा आएगा बीम का खुद का वेट, ठीक है। ये हमें नहीं पता होता एक्चुअली, क्योंकि अभी हमने सेक्शन चूज़ नहीं किया है। तो हम अज्यूम कर लेंगे एक कोई भी वैल्यू अराउंड 1 किलो न्यूटन के आसपास हम अज्यूम कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 0.8 ले लेता हूँ, किलो न्यूटन पर मीटर ले लेता हूँ। ये आपको अज्यूम करना है, आप 0.8 to 1 के बीच में अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अब ये सारा कुछ डेड लोड है जो बीम के ऊपर आने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा टोटल डेड लोड, डेट इज़ 7.5 प्लस 4.5, ये 11 हो गया, सॉरी 12 हो गया, प्लस 0.8 जो आएगा 12.8 किलो न्यूटन पर मीटर। अब डेड लोड आपको मिल गया। आपको सेकेंड चीज़ जो आने वाली है बीम पर, लाइव लोड होगा स्लैब की वजह से, स्लैब पर क्योंकि मोमेंट होगा वो लाइव लोड में काउंट होगा। तो लाइव लोड भी हमें समय दिया गया 1.5 हमें लेना है, तो ये आएगा लाइव लोड विच इज़ 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अगेन एरिया से, पर मीटर हमें निकालना है। तो पहले तो मैं उसके जो पैनल लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 मीटर्स का पैनल लेंथ है, तो ये मुझे मिल जाएगा 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी एरिया में दिया हुआ था तो मैंने सिर्फ लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, बट यहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ था तो मैं उसको क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे पर मीटर में मिल गया।
ठीक है, तो टोटल लाइव लोड है 4.5। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, टोटल डेड लोड प्लस लाइव लोड। सो मैं इन दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो मुझे टोटल वर्किंग लोड मिलेगा 12.8 प्लस 4.5 जो आएगा 17.3 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये फैक्टर लोड में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज़ करेंगे गामा विच इज़ 1.5। सो अगर मैं 17.3 को 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे फैक्टर लोड डब्ल्यू डी मिलेगा, एट विल 1.5 × 17.3 एंड डैट विल बी 25.95 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अभी आपको लोड पता चल गया है कि बीम पर कितना पर मीटर लोड आने वाला है। इन अदर वर्ड्स यू हैव फाउंड द यूडीएल ऑन द बीम। अभी आप जैसे आपको लोड मिल जाता है, आपको दूसरी चीज़ निकालनी होती है उसका, उस पर मोमेंट कितना आ रहा है मैक्सिमम और उसमें मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा ऐसा बीम है कुछ इस तरह से, इसका स्पैन जो दिया गया है 8 मीटर्स का है और इसके ऊपर एक यूडीएल है जो मैंने अभी 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 कैलकुलेट किया, वो आ रहा है 25.95 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब ये बहुत ही सिंपल है, आपको पता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है विथ यूडीएल तो क्या होता है, वो होता है एम इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। ये डब्ल्यू डी है यहाँ पर फैक्टर लोड, तो ये भी एम डी होगा। ठीक है, अब आपके पास एल नहीं है इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव अगर ये 8 मीटर अगर क्लियर स्पैन होगा तो इफेक्टिव स्पैन को आप निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता। एल इफेक्टिव जो होता है ये आई एस कोड में क्लियरली दिया गया है, 8 प्लस हाफ द विड्थ ऑफ वॉल फ्रॉम वन साइड प्लस हाफ द विड्थ ऑफ वॉल फ्रॉम वन साइड। मैंने स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बताया था, वॉल थिकनेस 0.3 दी गई है। ठीक है, हाफ वॉल थिकनेस यहाँ से लिया, हाफ वॉल थिकनेस वहाँ से। अभी ये इस तरह कुछ तो समझो, ये बीम है, ये नीचे सपोर्टेड वॉल है, ठीक है 0.3 का। ठीक है, तो ये हाफ हाफ यहाँ से काटा, ये हो गया आपका एल इफेक्टिव। ओके सो तो ये हो जाएगा कुछ 8.3 मीटर्स। ठीक है, अब लेंथ मिल गई, आपको सिर्फ मोमेंट निकालना है। डब्ल्यू डी मेरा आया था 25.95 मल्टीप्लाइड बाय 8.3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, तो ये आएगा 223.46 किलो न्यूटन मीटर। अब ये आपका फैक्टर्ड लोड है, मींस आपके बीम पर इतना मैक्सिमम मोमेंट आने वाला है। फिर आएगा आपका डिज़ाइन शेयर फोर्स, वो होगा डब्ल्यू एल बाय 2 मैक्सिमम शेयर फोर्स फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। ये भी अगेन यहाँ पे डब्ल्यू डी होगा, सो 25.92 मल्टीप्लाइड बाय 8.3 डिवाइडेड बाय 2, ये आपको मिलेगा 107.69 किलो न्यूटन। ठीक है, शेयर फोर्स मिल गया आपको और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका कितना आने वाला है वो मिल गया। अब बेसिक फंडा क्या होता है, अब बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है बीम डिज़ाइन करने का, कि आप जानते हो बीम क्या होती है, बेंड होती है। ठीक है, अब स्टील जो होता है ना बहुत ही इलास्टिक होता है, उस पर अगर बेंडिंग होगा तो इंडिविजुअल मेंबर्स जो होते हैं उसका वेब होता है, फ्लैंज होता है, वो भी खुद आपस में बेंड होने लगता है। ठीक है, जिसको हम लोकल बकलिंग कहते हैं। ठीक है, तो हमको लोकल बकलिंग अवॉइड करना है, तो लोकल बकलिंग अवॉइड करने के लिए हमको प्लास्टिक सेक्शन चूज़ करना होगा। ठीक है, अब प्लास्टिक सेक्शन चूज़ कैसा करेंगे, उसका एक टेबल दिया गया है आईएस कोड में, तो अगर आप पेज नंबर 18 खोलोगे आईएस कोड में टेबल 2, वहाँ पे आपको लिमिटिंग थिक विड्थ टू थिकनेस रेशियो दिया गया, तो यही डिसाइड करता है प्लास्टिक है। एक्चुअली ये डिसाइड नहीं करता कि प्लास्टिक है या नहीं, प्लास्टिक कितना प्लास्टिक है वो डिसाइड करता है उसका सेक्शन का प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस, दैट इज़ ZP। ठीक है, ये डिसाइड करता है कि सेक्शन कितना प्लास्टिक है, और इसका चेक हमें मिलता है लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशियो से। ठीक है, वो दिया गया पेज नंबर 18 पे। अगर हम आई सेक्शन यहाँ पे, जैसे हम आई बीम यूज़ कर रहे हैं, तो आप अगर इस टेबल में देखोगे यहाँ पे कंप्रेशन एलिमेंट दिया गया है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में रेशियो दिया हुआ है और थर्ड कॉलम में क्लास ऑफ सेक्शन दिया हुआ है, तो हमें क्लास 1 चाहिए प्लास्टिक। ठीक है, तो प्लास्टिक रहने के लिए अभी हम आई बीम के लिए देख रहे हैं, तो आप थर्ड रो में देख सकते हैं वेब ऑफ एन आई और बॉक्स सेक्शन, वहाँ पे दिया गया न्यूट्रल एक्सिस एट मिड डेप्थ, जैसे बीम में मिड में होता है, तो वहाँ पे दिया गया डी बाय टी डब्ल्यू प्लास्टिक के लिए 84 एप्सिलॉन से कम होना चाहिए, और वो रहा वेब के लिए। ठीक है, फ्लैंज के लिए आप फर्स्ट रो देखिए, आउटस्टैंडिंग एलिमेंट ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज, वहाँ पे दिया है रोल सेक्शन है, क्योंकि आई बीम एक रोल सेक्शन होता है,
तो वहाँ पे रेशियो दिया है बी बाई टी एफ, और वो प्लास्टिक रहने के लिए 9.4 एप्सिलॉन से कम होना चाहिए, ठीक है। बी बाई टी एफ शुड बी लेस दैन 9.4 एप्सिलॉन। तो हमारा सेक्शन ये पास हो गया अगर मतलब वो प्लास्टिक है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें ये भी निकालना पड़ेगा जेड पी, क्योंकि सेक्शन प्रॉपर्टी है ये, हम डायरेक्टली डी और टी डब्ल्यू से तो निकालेंगे नहीं, सेक्शन कौन सा चूज़ करना है, तो हमें जेड पी पहले निकालना है। तो अब आते हैं थर्ड स्टेप, जो कि मेन स्टेप है। अब ये स्टेप में हमें निकालना है डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट क्या है, ठीक है। और यही डिसाइड करेगा कि उस सेक्शन का प्लास्टिक मॉडुलस कितना होना चाहिए, जेड पी कितना होना चाहिए, ठीक है। और ये रेफ़र करने के लिए आप क्लॉज नंबर 8.2.1.2 देख सकते हैं, ठीक है। उसमें दिया गया है डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट शुड बी इक्वल टू बीटा बी जेड पी एफ वाई अपॉन गामा एम ओ, ठीक है। और ये जब वैलिड है, जब आपका सेक्शन प्लास्टिक होगा। अगर आप इससे जेड पी कैलकुलेट करते हो और जेड पी से आप सेक्शन चूज़ करते हो, तो चूज़ करने के बाद आपका सेक्शन प्लास्टिक नहीं होता है, तो ये कंडीशन वैलिड नहीं होगा, ठीक है। खैर अभी हम स्टार्ट करते हैं आगे। अब बीटा बी जो होगा प्लास्टिक सेक्शन के लिए हमेशा वन होगा, वन, ठीक है। अभी एम डी मेरे पास है, जो मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया था, जो था 223.6, इसको मैं न्यूटन में ले लूँगा, इंटू 10^6 कर दिया, इज इक्वल टू बीटा बी वन है मेरा, जेड पी मुझे निकालना है मल्टीप्लाइड बाय एफ वाई जो होगा 250 फॉर स्टील अपॉन गामा एम ओ 1.1। अभी सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ आपके पास जेड पी नहीं है। तो जेड पी अगर मैं सॉल्व करूँगा तो वो मुझे मिलेगा 98324 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये आपका जेड पी है। अभी आपको स्टील टेबल खोलना है, वहाँ पर ऐसा सेक्शन चूज़ करना है जिसका जेड पी इस जेड पी से ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। ये जेड पी रिक्वायर्ड है ये वाला, तो हमारा जेड पी रिक्वायर्ड जो भी रहेगा लेस रहना चाहिए जेड ई, जो सेक्शन आप चूज़ कर रहे हो उसका। अब प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूल्स आपको स्टील टेबल में मोस्टली नहीं मिलेगा, जो कि अभी, लेकिन ये चीज़ आईएस कोड में पहले से दी गई है। लास्ट में अगर आप अपेंडिक्स खोलोगे, वहाँ पर एनेक्जर एच में दिया गया है, पेज नंबर 138 पे, वहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस दिए गए, आई सेक्शंस, उसके प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूल्स दिए गए। आप लास्ट से, आप सेकंड लास्ट कॉलम देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा है क्लियरली प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूल्स। अब वो सेंटीमीटर्स में, आपको मिलीमीटर में उसको कन्वर्ट करके चूज़ करना है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये वाले फिगर में, यहाँ पर दिया गया आई एस एम बी 400, ठीक है। और उसका प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस जो दिया गया है 1176.18 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। वो क्लियरली हमारे, हमारा जो रिक्वायरमेंट है डेट इज़ 983.22, उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो हम ये चूज़ करते हैं इसमें। सो यहाँ पे हम लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ चूजिंग आई एस एम बी 400, ठीक है। और इसका जेड ई है 1176.18, ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो आपको मिलीमीटर्स में करना है, तो आपको सिंपली इंटू 10^3 डालने आगे, तो ये आ जाएगा मिलीमीटर क्यूब में, ठीक है। अभी ये आपको मिल गया। अब सेक्शन की प्रॉपर्टीज, जैसे उसका लेंथ कितना है, सॉरी डेप्थ कितना है, फ्लैंज का विड्थ कितना है, ये सब सारा कुछ आपको मिलेगा स्टील टेबल में, ठीक है। सबसे पहले मैं लूँगा डेप्थ ऑफ सेक्शन। अगर ये आई सेक्शन है ऐसा, तो इसका फुल डेप्थ जो होता है वो एच होता है, जो है 400 हमारे केस में। बी जो होगा वो होगा फ्लैंज का विड्थ, ठीक है। और डी जो होगा जो वेब है उसका डेप्थ, और टी डब्ल्यू होगा थिकनेस ऑफ वेब, और टी एफ होगा थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ठीक है। तो मैं डिटेल्स यहाँ पे सारा लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो ये रही सारी डिटेल्स। तो अब यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे डी मैंने नहीं लिखा हो, क्योंकि डी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी वो बहुत सिंपल है, डी होगा एच माइनस टू टी एफ, ठीक है। तो ये आएगा कुछ 400, तो ये होगा 400 माइनस ट्वाइस 16, सो 400 माइनस 32, और ये आ जाएगा 368 mm। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको निकालना होगा स्टील टेबल से। अब वहाँ पे दो चीज़ होगी, आई एक्स एक्स होगा और आई वाई वाई होगा, या कभी कभी आई जेड जेड और आई वाई वाई भी होगा। तो आपको क्या करना है, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आपको चूज़ करना है। तो मेरे केस में आई जेड जेड या आई एक्स एक्स मैक्सिमम था, तो मैं वो उसे लिख देता हूँ यहाँ पर 204
58.4 इंटू 10^4 मिलीमीटर रेस टू 4। अभी आईएस कोड में शायद से सेंटीमीटर रेस टू 4 में होगा, जो इतना ही होगा वहाँ पे दिया हुआ, तो आपको खाली 10^4 आगे ऐड करना है। ठीक है, तो अभी आपके पास IXX वगैरह सब कुछ है, ZE है आपके पास। अब आपको क्या करना है, लिमिटिंग थिकनेस टू विड्थ टू थिकनेस रेशियो का चेक देना आपको। सो लिमिटिंग W/T रेशियो में सबसे पहला चेक होगा आपके वेब के लिए, तो D/TW, तो वो आपका है D 368 डिवाइडेड बाय TW, आपका वेब का विड्थ है 8.9, तो ये आ जाता है 41.34 और ये कम है 84 एप्सिलॉन से। ठीक है, ये सेफ है। दूसरा आएगा B/TF। अब B आपका 140 mm नहीं होगा, हम सिर्फ हाफ द बी कंसिडर करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअली ये फ्लैंज बकल हो सकता है या फिर ये वाला साइड फ्लैंज का बकल हो सकता है, इसलिए हम इंडिविजुअली लेंगे। तो 70 डिवाइडेड बाय 140 का था 70 डिवाइडेड बाय TF एट 16, तो ये मुझे मिलता है 4.37 और ये कम है 9.4 एप्सिलॉन से। सो दिस इज़ ओके एंड सेक्शन इज प्लास्टिक। सो हमारा जो पहला वाला हमने असम्पशन लिया था MD इज इक्वल टू β P ZP FY / γ MO, डेट इज़ करेक्ट। हम प्रोसीड करते हैं सेकेंड स्टेप पे। अब दूसरा चेक आएगा आपका चेक फॉर शेयर। चेक फॉर शेयर में क्या करना है आपको, आपको बस इतना केयर करना है कि आपका जो सेक्शन आपने चूज़ किया है उसका जो मैक्सिमम शेयर कैपेसिटी होगा वो आपके मैक्सिमम डिज़ाइन शेयर फोर्स से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, मतलब मोमेंट की जो क्षमता और जो सेक्शन की जो क्षमता है वो डिज़ाइन फोर्स से ज़्यादा हो। सो वो दिया जाता है VD शुड बी इक्वल टू FY/√3 इंटू शेयर एरिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय γ MO। अब शेयर एरिया क्या होगा, शेयर हमेशा होगा वेब में, ये आपका जो वेब पोर्शन है इसमें हमेशा शेयर ज़्यादा होगा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ H × TW करना है। ये क्या आपका शेयर एरिया, क्योंकि H जो है उसका डेप्थ है पूरा और TW उसका थिकनेस है वेब का, तो वही आपका शेयर एरिया, क्योंकि मैक्सिमम शेयर जो होगा वेब में होगा और फ्लैंज में नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 250/√3 इंटू 1.1 इंटू H × TW। ठीक है, इस तरह आएगा वो, तो 250 इंटू H आपका है टोटल हाइट, डेट इज़ 400 मल्टीप्लाइड बाई 8.9 जो थिकनेस ऑफ वेब है √3 इंटू 1.1, तो ये मुझे मिलता है 467128 न्यूटन और ये किलो न्यूटन में आएगा 467.12 किलो न्यूटन। और हमारा मैक्सिमम डिज़ाइन कितना था, डिज़ाइन शेयर फोर्स, डेट वॉज 107.61 किलो न्यूटन, जो कि कम है, मतलब हमारा सेक्शन इतना ले सकता है। ठीक है, अब दूसरा मेन केयर आपको ये लेना है कि अगर आपका सेक्शन प्लास्टिक है तो ये इतना ही शेयर फोर्स हैंडल कर सकता है, तो ये हमें इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा ये कितना आता है, 467.12, तो ये आएगा 280.27 किलो न्यूटन। अगेन ये ज़्यादा है 107.61 किलो न्यूटन से, सो सेफ इन शेयर। अब तीसरा चेक जो आएगा, चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी आएगा। ठीक है, आपने जिस मोमेंट के लिए डिज़ाइन किया है बीम को, क्या वो मोमेंट ले सकता है, तो अगेन उसका फॉर्मूला है MD इज इक्वल टू β B ZP FY / γ MO, लेकिन ये हमेशा कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 1.2 ZE FY / γ MO, और आप इसको रिफ़र कर सकते हैं क्लॉज नंबर 8.2.1.2 में। अगेन आपको मैं शेयर का क्लॉज नहीं बताया, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे शेयर के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं क्लॉज नंबर 8.4, और उसको डिटेल में जो दिया गया है वो क्लॉज नंबर 8.4.1 में दिया गया है। ठीक है, आप ये रेफ़र कर सकते हो क्लॉज नंबर 8.4.1। तो ठीक है, हम आते हैं यहाँ पर। पहले सबसे पहले मैं MD निकाल लेता हूँ। β B हमारा प्लास्टिक सेक्शन है, तो 1 होगा इंटू Z उस सेक्शन का जो हमने चूज़ किए है वो है 1176.18 इंटू 10^3 इंटू 250 डेट इज FY / γ MO इज 1.1। ये मुझे आता है 267.310 इंटू 10^6। अब
ये सॉल्व करते हैं ये वाला, तो ये आएगा 1.2 इंटू जेड ई। अब जेड ई आपका इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस है, उसके लिए अगेन आपको वो टेबल रेफर करना पड़ेगा जो लास्ट में दिया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जेड ई जेड यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो है 1020। सो 1020.7 इंटू 10^3 इंटू एफ वाई इज 250 अपॉन गामा एम ओ इज 1.1। तो ये मुझे आता है 278.981 इंटू 10^6। ठीक है, ये आएगा किलो न्यूटन मीटर में, ये भी आएगा किलो न्यूटन मीटर में। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लियरली लेस देन दिस है। ठीक है, सो 267.31 इंटू 10^6 इज़ लेस देन 278.981 इंटू 10^6। सो आपका सेफ इन मोमेंट कैपेसिटी। अब आते हैं हमारे लास्ट और फाइनल चेक की तरफ, जो होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट चेक होता है ये वाला, वो होगा डिफ्लेक्शन चेक। तो अगर आप पेज नंबर 31 अगर आप खोलोगे टेबल नंबर 6 में आईएस कोड के, वहाँ पे डिफ्लेक्शन लिमिट्स दिए गई है फॉर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स एंड अदर बिल्डिंग्स। तो जैसे हम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग डिज़ाइन नहीं कर रहे, हम अदर बिल्डिंग में देखेंगे, और अदर बिल्डिंग में हम वर्टिकल सेक्शन देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि वर्टिकल लोड हमने कंसिडर किया, लैटरल लोड कंसिडर नहीं किया है फिलहाल, जो विंड लोड होता है। तो और लाइव लोड हमने लिया है फ्लोर एंड रूफ़ के लिए, ठीक है, कैंटिलीवर के लिए नहीं, फ्लोर एंड रूफ़ के लिए। वहाँ पे दो चीज़ दी गई है, एलिमेंट ससेप्टेबल टू क्रैकिंग और एलिमेंट नॉट ससेप्टेबल टू क्रैकिंग। तो कंक्रीट जो है क्लियरली ससेप्टेबल टू क्रैकिंग वाला मेंबर है, सो तो वहाँ पे उसका लिमिट दिया गया स्पैन अपॉन 300। सो आपका जो डेल्टा लिमिट है इज 300 बाय स्पैन अपॉन 300। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन होगा इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो क्राइटेरिया क्या है, डेल्टा मैक्स आपका जो मेंबर का है शुड ऑलवेज बी लेस देन डेल्टा लिमिटेड। ठीक है, तो डेल्टा मैक्स आप कैसे निकालोगे, तो उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया होता है उसका, जो डिराइव करके मिला रहता है, आप सबको ये पता होना चाहिए। डेल्टा मैक्स फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम इज़ 5/384 इंटू डब्ल्यू इंटू L^4/EI। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको W क्या है, L क्या है, E क्या है, I क्या है। E आपका जो इसका मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है, आई आपका आई एक्स एक्स है जो मैक्सिमम होगा वो, और डब्ल्यू है पे वर्किंग लोड लोगे नॉट फैक्टर्ड लोड। तो फैक्टर्ड लोड को आपको पहले डिवाइड करना होगा 1.5 से, तो आपको वर्किंग लोड मिलेगा। एल आपका जो होगा इफेक्टिव स्पैन, वो आप लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अभी मैं सब सारे डेटा यहाँ पे लिखता हूँ, 5/384 इंटू डब्ल्यू, फैक्टर्ड आपका डब्ल्यू डी था डेटा 25.95, बट इसको डिवाइड करूँगा अगर मैं 1.5 से तो मुझे मिलेगा वर्किंग लोड, वो होगा 17.3। ठीक है, अगेन ये होगा किलो न्यूटन पर मीटर में। अब डिफ्लेक्शन मुझे एमएम में निकालना है, तो मुझे इसको पहले एमएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये होगा 17.3 इंटू 10^3, अब ये न्यूटन में हो गया किलो न्यूटन से, और नीचे मीटर में तो 1 × 10^3 करूँगा, तो ये भी होगा मिलीमीटर में। तो 10^10^3 कैंसिल हो गया, 17.3 न्यूटन पर मिलीमीटर मिलेगा मुझे। ठीक है, तो डब्ल्यू मैं लूँगा यहाँ पे 17.3 मल्टीप्लाइड बाय, अगेन लेंथ यहाँ पे मैं मिलीमीटर्स में लूँगा, तो 8.3 मीटर्स मेरा इफेक्टिव स्पैन है, एल इफेक्टिव इज़ 8.3 मीटर, तो मैं लूँगा 8300 × 10^4। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज 2 × 10^5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और आई एक्स एक्स जो मैंने उस वक्त डेटा में लिखा था वो था 2048.4 × 10^4। वेन यू सॉल्व दिस यूल गेट 26.127 मिलीमीटर। अब ये आपका मैक्सिमम है, ठीक है, और लिमिटेड कितना है, डेल्टा लिमिटेड इज स्पैन अपॉन 300, स्पैन मेरा है 8300। ओके 8300 नॉट 300, डिवाइडेड बाय 300। ठीक है, तो ये आएगा 27.67 मिलीमीटर्स। मैक्सिमम मेरा इतना हो रहा है, लेकिन लिमिटेड इतना है, मतलब आप सेफ हो यहाँ पर, डेल्टा मैक्स इज़ लेस देन डेल्टा लिमिटेड।
ठीक है, तो सेफ इन डिफ्लेक्शन, तो फाइनली आप क्या लिखोगे, चूजिंग ISMB 400। ठीक है, तो ये रहा टोटल प्रॉब्लम डिज़ाइन ऑन बीम्स के ऊपर। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपको इसी तरह और कोई वीडियोस चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं आपके लिए बना दूंगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।